मणिपुर में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार को लेकर हरियाणा प्रदेश की महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हांसी मिनी सेक्रेटरी पे प्रदर्शन किया गया और SDM मोहित मेहराना को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया और जोरदार नारेबाजी की। महिला कांग्रेस की ये महिलाएं हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए मिनी सेक्रेटरी में पहुंची हैं, क्यों पहुंची हैं और मणिपुर का क्यों ये बार बार स्लोगन दे रही हैं, नारा दे रही हैं कि महिलाओं पे एट्रोसिटीज अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो। मेरे साथ हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगी अपने? सुधा भारद्वाज, प्रेसिडेंट हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस। प्रेसिडेंट हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस। सुधा भारद्वाज कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा से हूँ, पंचकुला से। पंचकुला से पहुंची हैं। तो बताइए, आपके साथ ये महिलाएं हैं साथ में? मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं की संख्या तो चलो थोड़ी है, लेकिन अभी, इनका बहुत आ रहे हैं। लेकिन आपका मुद्दा बहुत ज्वलंत है कि क्या महिलाओं के साथ एट्रोसिटीज हुई है, क्या जातियाँ हुई हैं, आपकी महिला कांग्रेस क्या चाहती है सरकार से? देखिए, आप जैसा कि आप जानते हैं कि मणिपुर में कितनी ही भयावह स्थिति हुई है महिलाओं के साथ, तो हम ये देख रहे हैं कि BJP सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और अपने आप को असुरक्षित समझ रही हैं, और जो वहाँ पे वारदात हुई है वो पूरे देश को शर्मसार करने वाली है और सारे देशों में भारत की थू थू हो रही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जिस देश में महिलाओं का सम्मान ना हो, महिलाओं का आदर ना हो, ये वो देश है जिसमें कि कन्याएं पूजी जाती हैं और आज यहाँ की महिलाओं के साथ ये वारदात हो रही है, तो हम सब बहुत ही दुखी हैं और निशब्द हैं। BJP तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बड़ा नारा लगाती है, हमारे प्रधानमंत्री भी इस बात को लेकर चलते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, उन BJP सरकार जुमलों की सरकार है, और आपने जैसे कि देखा हरियाणा में पानीपत से ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप देख रहे हैं कि हमारी बेटियां कहां बच रही हैं और किस तरह से उनकी दुर्दशा हो रही है, तो बहुत ही शर्म की बात है। और मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि 100 से अधिक वारदात ऐसी हो चुकी हैं और वहाँ पर जो नेट बंद किया गया इसीलिए किया गया कि इंटरनेट बेस है तो नेट बंद कर देते हैं जी, कि इसलिए हुआ कि ये जो चीज़ें हैं बाहर नहीं जा सकें। लेकिन अब ये वीडियो जब बाहर आई है तो क्या प्रधानमंत्री जी के पास इतनी मशीनरी है, उनको नहीं पता था कि वहाँ पे क्या हो रहा है? और 3 महीने से जो मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं, तो ये क्या था? किस तरह से वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगा रहे हैं? तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि इस तरह की वारदात हमारे देश में हो रही है और बेटियों की इस तरह से दुर्दशा हो रही है, तो हम बहुत ही आहत हैं। क्या लिखा है? एनफ इज एनफ, स्टॉप वायलेंस इन मणिपुर, इन मणिपुर जी, अत्याचार बंद कर दीजिए, बहुत हो चुका है बस ये जी, जी बहुत हो चुका है, ये अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आज कैसे यहाँ आना हुआ आपका? देखिए, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में इसका विरोध प्रदर्शन, महिलाएं क्योंकि बहुत ही ज्यादा दुखी हैं और बहुत ही चिंतित हैं अपनी सुरक्षा के लिए। हरियाणा के अंदर सेफ है महिलाएं? बिल्कुल सेफ नहीं है, और प्रधानमंत्री जी 78 दिन के बाद बोले, इस मुद्दे पर बोले, और उन्होंने उसमें भी राजनीति घोल दी। आपने हरियाणा का नाम नहीं लिया, आपने राजस्थान का और छत्तीसगढ़ का नाम लिया, आपने यूपी का नाम नहीं लिया, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि इतने संवेदनशील उस पे जो इतने, आपका कहना है कि इतने सेंसिटिव इशू के ऊपर भी, यानी कि PM हमारे राजनीति पॉलिटिक्स करते हैं? जी जी, राजनीति कर रहे हैं। सो ये सही है क्या? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, ये सही है क्या? बिल्कुल सही है। क्या 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 सही है? कैसे ये मणिपुर में जो हो रहा है इसके बारे में बोले कुछ? महिलाओं पुलिस के सामने नंगी करके घुमाया उनको, तो क्या महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो रहा? कि कप्तान से साइन करेंगे ये? इतनी पब्लिक, इतने जेंट्स और पुलिस के सामने उनको नंगा कर रहे हैं, उसके अंगों को छेड़ रहे हैं, क्या ये सही? क्या क्या नाम है बहन जी आपका? कमलेश शोरान हिसार से। कमलेश शोरान हिसार से? हाँ जी, कांग्रेस की। हाँ जी, कांग्रेस नेत्री। देखिए, आप सभी को पता है जो मणिपुर में एक बड़ा ही विभत्स दुर्घटना हुई है और पूरा समाज, पूरा भारत उसकी निंदा करता है। महिलाओं के जहाँ तक सम्मान की बात है, सरकार इस दिशा में प्रयासरत है और आज ये ज्ञापन दिया गया है हमारी हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की तरफ से,
कि सरकार जो भी दोषी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और महिलाओं का उनका सम्मान वापस दिलाए। हाँ बिल्कुल, हमारी तरफ से सरकार को ये ज्ञापन पहुँचाया जाएगा। ठीक है। पूर्व मंत्री हैं अतर सिंह सैनी जी और पूर्व मंत्री सुभाष गोयल जी। जो मणिपुर में जाति हुई अत्याचार हुआ है महिलाओं के ऊपर, उनको निवस्त्र करके घुमाया गया है और उनके जिस्म के साथ खिलवाड़ की गई है, उसके विरोध में हमारे सुधा यादव जी, सुधा भारद्वाज जी हैं जो प्रदेश की अध्यक्ष हैं, अपने सनेन्द्र निम्बल जी हैं जो हमारे जिले की अध्यक्ष हैं, संतोष जून जी हैं जो हमारे जिले की ग्रामीण अध्यक्ष हैं, और हमारे अनीता सिंगला जी हैं जो यहाँ की अध्यक्ष हैं हांसी की महिला अध्यक्ष, और इनके साथ सभी जो पार्षद रह चुकी हैं, चुकी नहीं हैं, प्रेजेंट पार्षद हैं, इनके पति पहले पार्षद थे, अब ये खुद पार्षद हैं। हाँ जी, तो ये सभी के सभी हम और हमारे बड़े भाई सुभाष गोयल जी, मैं, हम सभी इस बात का विरोध करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि ये बड़ा अत्याचार हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, और जिन्होंने भी कार्रवाई की है ये उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इसके विरोध में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो बेटियों के बड़े हक में है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बताइए। सिर्फ इतना ही है क्या है उनका, जो बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिर्फ जबान से कह देने से नहीं, आपके गृह मंत्री ने 20 दिन पहले वहाँ जाकर क्या देखा, कोई उन्होंने रिपोर्ट दी इस प्रकार की कि इतना विभत्स अत्याचार हुआ? अमित शाह साहब गए थे ना, अमित शाह साहब गए थे और मतलब उस कांड को हुए 2 महीने हो गए थे और उन्होंने क्या संज्ञान लिया, और उसके पश्चात अब ये दूसरे राज्यों का ब्यौरा देकर उसको पटाक्षेप करना चाहते हैं जो कितना विभत्स अत्याचार भी दिया है। क्या क्या हुआ वहाँ, यहाँ के मुकाबले में और वहाँ का मुकाबले में क्या हुआ? चलो, महिलाओं ने आवाज़ उठाई है और ये आवाज़ ऊपर तक जाएगी। असलम साहब ने कहा है कि महिलाओं पे एटलीस्ट एट्रोसिटीज या जातियाँ नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई सा भी प्रदेश हो। देखते रहिए हंसे की आवाज़। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आगे तक आवाज़ जा सके। थैंक यू।